हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो एज यू गाइस नो बाय द टाइटल, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च्ड माय ग्लैम के ये आईलाइनर्स। सो बेसिकली दीज आर माय ग्लैम लिट ग्लॉसी लिक्विड आईलाइनर, और ये जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये 5 शेड्स में लॉन्च हुए हैं। सो 5 शेड्स के आज मैं आपके साथ स्वॉचेस शेयर करने वाली हूँ, जो कि होने वाले हैं आई स्वॉचेस एंड हैंड स्वॉचेस एज वेल। लाइक मैंने हैंड स्वॉच करके रखा हुआ है। सो येस गाइज, पहले आप लोग जो है वो स्वॉचेस इन्जॉय कर लो एंड देन वील टॉक मोर अबाउट दीज लाइनर्स। सो आई होप कि आपने सारे स्वॉचेस देखे होंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको कोई एक ना एक शेड तो पसंद आ ही गया होगा इन सब में से। सो बात करें इन लाइनर्स की, सो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आते हैं। ओके, सो पैकेजिंग नॉर्मल है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है एंड इसमें कोई कलर कोडेड सिचुएशन नहीं है। हाउएवर जो इनर पैकेजिंग है उसमें आपको कलर कोडेड सिचुएशन मिल जाती है। सो आउटर पैकेजिंग में एवरी थिंग इज मैंशनड, इन्ग्रीडियंट लिस्ट मैंशनड है, ओके, देन एक्सपायर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, MRP सब कुछ मैंशनड है। सो आपको सब कुछ मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड बॉक्स पे। ओके, सो बात करें अगर प्राइस की, सो ईच लाइनर रिटेल्स फॉर 325 रुपीज़। हाउएवर आपको कभी भी अगर आप यू नो माय ग्लैम से शॉप कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी MRP पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलवेज माय ग्लैम के यू नो ऐप पे ह्यूज डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, लाइक हैवी डिस्काउंट्स। तो अभी रिसेंटली जो सेल आई थी उस पर मैंने इसके प्राइसेस चेक करे थे, तो आपको ये 227 रुपीज़ में भी मिल रहा था ईच लाइनर। सो या दैट्स ग्रेट। एंड अगर बात करें प्रोडक्ट की, सो ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है 2022 में एंड ये एक्सपायर होगा 2024 में। अच्छी खासी यू नो शेल्फ लाइफ इसकी आपको मिल जाती है। क्वांटिटी आपको मिलती है 3.5 ml। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, ग्लूटेन फ्री एंड SLS फ्री। सो ये तो बात हो गई आउटर पैकेजिंग की, अब हम इनकी इनर पैकेजिंग देख लेते हैं। सो बेसिकली इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। सो हर बॉटल में ना आपको कलर कोडेड सिचुएशन मिल जाएगी, तो आपको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ गुड, बिकॉज मोस्टली आपने देखा ही होगा कि माय ग्लैम ये जो कलर कोडेड थिंग है इसको फॉलो नहीं करते, मोस्टली उनके सारे प्रोडक्ट्स एकदम सिमिलर ही होते हैं। सो इस बार आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट माय ग्लैम फॉर दिस कि उन्होंने इसमें कलर कोडेड सिचुएशन दी है। एंड जो ये इनर पैकेजिंग है इसमें आपको ये तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ जरा आपको नीचे शेड नेम मेंशन रहेगा एज वेल एज मैन्युफैक्चरर और एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, जस्ट इन केस आप ये थ्रो कर देते हो
सो इस पर सब कुछ आपको मेंशन मिलेगा, ऑल्दो इस पर इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है। और बात करें अगर हम इसकी वॉन्ड की, सो आपको बहुत अच्छा एक इलोंगेटेड वॉन्ड मिलता है, तो इससे काफ़ी अच्छा एक प्रिसाइज लाइन बन जाती है एंड काफ़ी अच्छा आपको एक ग्रिप मिलता है। सो दैट्स ग्रेट कि इन्होंने जो ये वॉन्ड का साइज है, वॉन्ड का जो लेंथ है, वो काफ़ी अच्छा रखा है। एंड एप्लीकेटर की बात करें, सो एप्लीकेटर कुछ इस टाइप का है एंड इससे बहुत ईजिली ना आप थिक से थिक और थिन से थिन विन जो है विंग आप बना सकते हो। ओके, सो अगर बात करें पिगमेंटेशन की, सो सारे के लाइनर्स की यूनिफॉर्म पिगमेंटेशन नहीं है। सो लेट मी टेल यू, जो ये ग्रीन शेड है, ब्लू शेड है एंड ब्लैक शेड है, इन तीनों शेड्स की जो पिगमेंटेशन है वो आपको वन स्वाइप में अच्छी खासी पिगमेंटेशन मिल जाती है। एंड अगर हम बात करें पर्पल एंड पिंक लाइनर की, सो इसका पर्पल का मुझे 2 कोट्स लगाना पड़ा था अपने आईलिड पे, तब जाके एक ओपेक पिगमेंटेशन आया था। एंड ये पिंक वाला जो अभी मैंने वेयर कर रखा है, इसके मुझे 3 कोट्स लगाने पड़े थे, तब जाके इसका एक प्रॉपर पिगमेंटेशन आया था। सो यस, ये लगाने के बाद एक ग्लॉसी फिनिश आपको देते हैं। सो या ऑल्दो बाकी यू नो लाइनर्स में मुझे इतना ग्लॉसीनेस नहीं लगा जितना ये पिंक वाले में है, इससे लगा कि अलग से दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी आईलाइनर है, ऑल्दो बाकी उसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले भी ग्लॉसी आईलाइनर्स ट्राई करे हुए हैं, सो यू गाइज नो कि ग्लॉसी आईलाइनर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े टैकी फील होते हैं इस पर, बट इनके साथ ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड ग्लॉसी आईलाइनर्स के साथ ऐसा होता है कि जब आप सेकेंड या थर्ड कोट लगाने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं क्रम्पल करने लगता है इस पर, एंड थोड़ी देर के बाद भी ऐसा फील होता है, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड दीज आर लाइक टोटली स्मज प्रूफ, ये चारों ये पाँचों शेड्स मैंने इधर पर स्वॉच कर रखे हैं। एंड लेट मी यू नो स्मज इट, सो यू गाइज कैन सी दैट दीज आर टोटली स्मज प्रूफ, दीज आर वाटर प्रूफ एज वेल, क्योंकि मैंने वाटर प्रूफ टेस्ट भी करा हुआ है इसका। ओके, सो मैं थोड़ा सा वाटर इस पर डालूंगी एंड यू गाइज कैन सी कि अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा यू नो स्मज करोगे तो फिर ये डेफिनेटली रिमूव होगा आई थिंक, बट ये वैसे ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्वेट वगैरह आया तो ये बह जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड देखो, थोड़ा ज़्यादा रब करोगे तो ऑब्वियसली निकलेगा, बट ऐसे आई डोंट थिंक सो कोई अपनी आईज़ को रब करता है एक आईलाइनर लगाने के बाद। सो गाइज़, मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट तो यही रहेगा दैट दीज लाइनर्स आर अमेजिंग फॉर द प्राइस, मतलब अगर डिस्काउंट में मिल जाए ना तो और ही मज़े हैं। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक मुझे मैंने आज तक कभी पिंक लाइनर और पर्पल लाइनर ट्राई नहीं करा था, तो ये मुझे काफ़ी एक्साइटिंग कलर्स लगे एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये परचेज करे ये प्रोडक्ट्स एंड इसका रिव्यू शेयर करा आप लोगों के साथ। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इसको ट्राई करने का, तो आप बताओ कि आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। इफ़ यू हैव ऑलरेडी ट्राइड तो भी मुझे बताना कि आपके इस पर क्या थॉट्स हैं। एंड दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।